हेलो फ्रेंड्स एंड गुड इवनिंग। आज के मेन्यू में है हनी चिली पोटैटो, जो कि मैं अगेन बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी बनाऊंगी। तो मेरे इस वीडियो को फॉलो करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स खुला है। सो स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स में हम लेंगे पतले लंबे कटे हुए आलू, शिमला मिर्च, प्याज, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली, कॉर्नफ्लोर, कोरिएंडर लीव्स, सॉल्ट। और सॉस में हम लेंगे टोमेटो सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, ब्लैक पेपर एंड हनी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ अदरक लहसुन और हरी मिर्च को कूट लिया है इमाम दस्ते में, आप चाहे तो इसका पेस्ट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें कटे हुए आलू को पानी में अच्छे से धो लेना है, ताकि वो आलू के ऊपर जो सफ़ेद स्टार्च आ जाते हैं वो अच्छी तरह से धुल जाए। और फिर एक किचन टॉवल पर हमें अच्छे से पोंछ लेना है आलू को। आप देखो मैं जैसे कर रही हूँ, आपको उस तरह अच्छी तरह से इसे पोंछ लेना है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, एक्स्ट्रा वाटर हटा देना। फ्रेंड्स, अब एक बोल में हमें आलू को ले लेना है, कटे हुए आलूओं को, और उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। कॉर्नफ्लोर को हमें अच्छी तरह से कोट करना है हर आलू के ऊपर, हर टुकड़े के ऊपर कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह। फ्रेंड्स, अब हमने डीप फ्राई करने के लिए ऑयल ले लिया है, मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हो जिसमें आप डीप फ्राई कर सको। और निकाल देना है, देख लो फ्रेंड्स ये बिल्कुल क्रंची हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। सो इसे अब निकाल लेंगे। अब सेम पैन में दोस्तों हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसमें अब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, सॉरी अदरक लहसुन कूटे हुए, आप चाहो तो पेस्ट भी ले सकते हो। इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक हमें बहुत अच्छा स्मेल ना आने लग जाए अदरक लहसुन का। और फिर हम इसमें प्याज डालेंगे और शिमला मिर्च, दोनों फ्रेंड्स एक साथ ही डालेंगे। और आप ये चीज़ ध्यान देना कि मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े में काटा है, बिल्कुल छोटा नहीं काटना है। और इन्हें ज़्यादा पकाना भी नहीं है, ये बस थोड़े से मुलायम हो जाए, थोड़ा सा मुलायम टेक्स्चर आ जाए इसका, इतना पकाना है। थोड़ा सा नमक भी आप डाल सकते हो इस टाइम। और ये दोस्तों मैंने डाल दिया इसमें कॉर्नफ्लोर, एक चम्मच कॉर्नफ्लोर मैंने मिलाया था पानी में, थोड़े से पानी में, और उसको डाल दिया। और अब मैंने सारे सॉस डाल दिए, अब देखो सोया सॉस, विनेगर, ग्रीन चिली सॉस और टोमेटो सॉस, मैंने सब कुछ डाल दिया है। कोरिएंडर लीव्स और हनी हम बाद में डालेंगे, और काली मिर्च का पाउडर भी हम थोड़ी देर में डालेंगे। फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं सुखाना है, थोड़ा सा इसमें ये रहेगा, आप देखें थोड़ा सा इस तरह का टेक्सचर आ जाना चाहिए। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसमें हनी और ग्रीन कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे। हनी मैंने थोड़ा सा बचा लिया है और लीव्स भी, वो मैं ऊपर से गार्निश करने में यूज़ करूँगी, आप चाहो तो पूरा इसमें मिलाकर मिक्स कर सकते हो। और फ्रेंड्स, नमक इसमें आप चाहो तो ऊपर से और ले सकते हो अगर आप ज़्यादा नमक खाते हो। वैसे तो टोमेटो केचप से वैसे भी थोड़ी सी मिठास इसमें होती है और हनी की वजह से, तो मैंने नमक एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया है।